अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने बकायदा उन्हें तलब किया, जहां धारा 144 के मुकदमे में उन्हें राहत दी गई है, जबकि सन 2012 के एक मुकदमे में उन पर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बताते चलें, 2012 में हाईकोर्ट बेंच की वेस्ट यूपी में स्थापना की मांग को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सिटी स्टेशन पर पहुंचकर रेल को रोका गया था, जहां 22 मिनट तक ट्रेन रुकी रही, जिसमें सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर रेल अधिनियम की धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आज उन्हें पेश होने की हिदायत दी थी और तलब करते हुए उन पर आरोप तय होंगे, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मुकदमे के अलावा धारा 144 के उल्लंघन का मामला भी नौचंदी थाने में दर्ज किया गया था, जिसको लेकर भी उन्हें तलब किया गया, जहां इस मुकदमे में 25,000 के जाति मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, जमानती वारंट जारी हुए थे, लेकिन ऐसे में एक मुकदमे में सांसद राजेंद्र अग्रवाल को राहत भी मिल गई है और दूसरे में अब आगे तारीख चलती रहेगी। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहना है सरकारी अधिवक्ता सिराजुद्दीन अलवी का। सिराजुद्दीन अलवी, किस आरोप में सांसद हुआ? माननीय सांसद जी राजेंद्र अग्रवाल जी ने आज 2012 का मुकदमा था, आरपीएफ जो रेलवे है उस थाने में मुकदमा कायम हुआ था इनके खिलाफ, तो उसमें आज ये पेश हुए हैं और इन पे आज जो है आरोप तय होने हैं। और दूसरा मुकदमा थाना नौचंदी का था, धारा 144 के उल्लंघन का, तो उसमें इनके जो है वो जमानती वारंट थे, तो वह आज उस मुकदमे में पेश हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।